सलमान खान के घर गए सीएम शिंदे ने तो शरद पवार की पार्टी ने उठाया सवाल, जाने क्या कहा। अभिनेता सलमान खान और उनके पिता सलीम खान से सीएम एकनाथ शिंदे ने गैलेक्सी अपार्टमेंट जाकर मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद अब शरद पवार की पार्टी ने तीखे सवाल पूछे हैं। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने मंगलवार 16 अप्रैल को सलमान खान के घर जाकर उनसे मुलाकात की। सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग के बाद सीएम उनके घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पहुंचे थे। अब सीएम को लेकर शरद पवार की पार्टी ने सवाल उठाया है। शरद पवार की पार्टी ने सवाल उठाते हुए पूछा कि जिस तरह से सीएम शिंदे सलमान खान के घर गए, उसी तरह वो अभिषेक घोसालकर के परिवार के यहाँ क्यों नहीं गए। क्या फायरिंग में विपक्षी दल के शख्स की मौत सीएम के लिए गौन है। बता दें कि इसी साल 8 फरवरी को फेसबुक लाइव के दौरान शिवसेना यूबीटी के नेता अभिषेक घोसालकर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बाद में हमलावर ने भी सुसाइड कर लिया था। अभिषेक के अंतिम संस्कार में शरद पवार और उद्धव ठाकरे सहित राज्य के कई नेता शामिल हुए थे। शरद पवार या अजीत पवार, चाचा भतीजे में कौन किस पर भारी, बारामती सीट का चौंकाने वाला सर्वे। मंगलवार को सलमान खान से मुलाकात के बाद सीएम शिंदे ने कहा कि गोलीबारी में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने मुंबई पुलिस आयुक्त को खान और उनके परिवार के सदस्यों की सुरक्षा बढ़ाने का निर्देश दिया है। सीएम शिंदे ने कहा कि मैंने सलमान खान को आश्वासन दिया है कि सरकार उनके पीछे खड़ी है और उनकी सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि मुंबई में कोई भी ऐसी हरकत करने की हिम्मत ना करे। बांद्रा इलाके में स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट में सलमान खान के आवास के बाहर रविवार सुबह गोलीबारी की घटना के बाद से आरोपी विकी गुप्ता उम्र 24 वर्ष और सागरपाल उम्र 21 वर्ष फरार थे। दोनों बिहार के रहने वाले थे। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपियों को सोमवार देर रात गुजरात के कच्छ जिले के माता नौमाद गांव से पकड़ा गया और बाद में मुंबई लाया गया। सीएम शिंदे ने कहा कि पुलिस जांच कर रही है और सच्चाई सामने आ जाएगी। पुलिस पता लगाएगी कि घटना के पीछे कौन है, उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। शिंदे के साथ पूर्व विधायक बाबा सिद्दीकी, उनके बेटे और कांग्रेस विधायक जीशान सिद्दीकी और शिवसेना नेता राहुल कनाल भी खान के आवास पर आए।